सर नमस्कार एंड वेलकम टू आउटलुक, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, तो पलट के जब आप पीछे 3 साल ये देखते हैं अपने कार्यकाल को, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई और अपनी भूमिका को आप किस तरह से एक इवॉल्व होता आप देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं, इस 3 साल के अंदर संसद के 8 सत्रों के अंदर सभी मान्य सदस्यों का सकारात्मक सहयोग मिला, संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी, उनकी उच्च चर्चा संवाद, विधायी कार्यों के अंदर उनकी सक्रिय योगदान, इसके कारण इस 3 वर्षों के 8 सत्रों के अंदर प्रोडक्टिविटी हाई रही और चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे विधायी कार्य हो, चाहे 193 के अंदर चर्चा संवाद हो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा संवाद हो, बजट पर चर्चा संवाद हो, इन सब विषयों पर माननीय सदस्यों ने जिस तरीके की सक्रिय भागीदारी के साथ संसद की कार्रवाई में सहयोग किया, उसके कारण ये प्रोडक्टिविटी अच्छी रही। और इस मौके पर उन सभी माननीय संसद सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कोविड महामारी के समय भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और देर रात्रि तक सदन में बैठकर सक्रिय भागीदारी निभाई। जनरल पब्लिक में इस तरह का परसेप्शन है कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट बिल्स पे जिस तरह का संवाद, जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी, या पब्लिक का फीडबैक जिस तरह से उन बिल्स पे, कानून पे आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास वो नहीं जा पाए, जिससे हमने देखा कि हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जिस तरह मैं 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा, एक तो फार्म लॉज पे और दूसरा CAA बिल पे, तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? आपने दोनों विधेयकों की चर्चा की, इन दोनों विधेयकों पर संसद के अंदर फार्म बिल पर भी आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा हुई, CAA पर देर रात्रि तक चर्चा हुई। संसद के अंदर दोनों विधेयकों पर व्यापक चर्चा संवाद हुआ, दलों की विचारधारा, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, जिस दल को देश की जनता चुनती है उस दल की सरकार बनती है, सरकार विधेयक बिल लेकर आती है, लेकिन संसद में चर्चा संवाद, सुझाव, अमेंडमेंट ये एक प्रक्रिया होती है। जिन दोनों बिलों पर चर्चा की, दोनों बिलों पर संसद में देर रात्रि तक चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई, सहमति असहमति तो लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ दोनों बिलों पर चर्चा हुई संसद के अंदर, हंगामे में या शोर शराबे में विधेयक पारित नहीं हुई। कुछ एक पिछले दिनों हमने देखा कि नॉन मनी बिल्स को मनी बिल के रूप में पेश किया, उसके बाद अपोजिशन ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया और कुछ इश्यूज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो इस पे आपका एक? लोकतंत्र में कंट्रोवर्सी पैदा करना सबका अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका का भी अपनी भूमिका है। कौन सा मनी बिल होगा ये अध्यक्ष निश्चित करता है, जो संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं। जिन कंट्रोवर्सी, जिन मनी बिलों को, तो विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने निर्णय दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो अध्यक्ष ने निर्णय किया वो निर्णय उचित था, उसके निर्णयों को उन्होंने मान्यता दी। लेकिन अध्यक्ष भी उसी को मनी बिल मानता है जो मनी बिल है, क्योंकि वो संविधान से बंधा है, देश के कानून से बंधा है, संविधान के इतर वो भी नहीं जा सकता। हम संविधान का सम्मान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, संसद संविधान के कानून से चलती है, उनके मार्गदर्शन पे चलती है, संविधान बनाया संसद में, जब कभी संविधान संशोधन होता है तब उसकी एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन
भारत की जनता की, भारत की संसद की, सभी दलों के प्रति संविधान का अटूट विश्वास भरोसा है। मीडिया में देखते हैं और जिस तरह से कार्रवाई संसद की दिखाई जाती है, तो कुछ एक मुद्दे, कुछ एक पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक इशू है या डिसेबिलिटी राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, तो उस पे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या स्टेट असेंबलीज में जो लेजिस्लेटर हैं, वो उन पे बात करने से कतराते हैं या कम करते हैं बात, पसंद नहीं उनको, या ये है कि उस तरह से वो चर्चा में नहीं आते। और दूसरी तरफ जो कुछ इमोशनल इश्यूज या जिस पे थोड़ा सेंसेशनलिज्म ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा चर्चा होती है। तो आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? अब अलग अलग दल की विचारधारा होती है, किस मुद्दों पर चर्चा करनी है। बिजनेस एडवाइजर कमेटी के अंदर सभी दल के लोग बैठकर चर्चा करते हैं कि इन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा करती। लेकिन क्लाइमेट चेंज के विषय पर संसद के अंदर 9 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई, और डिसेबल वाले विषय पर भी प्राइवेट बिल के अंदर व्यापक चर्चा हुई है। और मेरा मानना है कि क्लाइमेट चेंज पर बहुत सकारात्मक सुझाव, अच्छे तर्क माननीय संसद सदस्यों ने रखे। उनका अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में रखा, और क्लाइमेट चेंज के होने वाले भविष्य के प्रभावों पर भी चिंता व्यक्त की, और सरकार के मंत्री ने भी इस पर ठीक से जवाब दिया। उन्होंने भी सरकार की जो पॉलिसी हैं, नीतियाँ हैं, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज को सदन के सामने रखा, और माननीय सदस्यों ने भी सदन के अंदर नेशनल इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के होने वाले प्रभाव, उन पर चिंता व्यक्त की। भारत सरकार इस पर ठीक दिशा की ओर काम कर रही है, ऐसा मैंने संसद में माननीय मंत्री जी के तर्कों के द्वारा सुना है। मैं प्रयास है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर, जो आपने भी कहा कि इन पर चर्चा होनी चाहिए, ये ज्वलंत विषय है। मानवीय दृष्टिकोण से भी, मानवीय प्रभाव पड़ने से भी ऐसे मुद्दों पर अगर चर्चा होगी, सबके अच्छे सकारात्मक सुझाव आएंगे, देश में नई काम करने की प्रेरणा मिलेगी, ताकि क्लाइमेट चेंज के अंदर मानव प्रकृति और मानव स्वभाव, मानव कार्य के अंदर हम हमारी भूमिका तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मनुष्य का ही है, मनुष्य। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जुडिशरी से और एग्जेक्टिव से लोगों की जो कंपैरेटिवली आशा उम्मीद है, वो लेजिस्लेचर से ज़्यादा है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इनसे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं जब बहुत सारे कुछ संजीदा इश्यूज़ जब डिस्कशन के लिए आते हैं हाउस में, तो बेंचेस उस दिन खाली होते हैं, ज़्यादा हाजिरी उस दिन नहीं होती है। तो क्या कोई पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स, कोई मोटिवेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम की उस तरह की ज़रूरत आपको लगता है, फील होती है? आपने सही सवाल उठाया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। कि आज भी देश की जनता का भरोसा विधायिका पर है, बिल्कुल, उनको चुना, और विधायिकी के कामकाज पर है, क्योंकि माननीय सदस्य जनता का रिप्रेजेंट करते हैं। संसद एक प्रतिनिधि संस्था है, जनता की अभाव कठिनाई उनका फीडबैक सदन के अंदर रखते हैं, चाहे सदन विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। उसमें आपके मत से मैं सहमत हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। हम अगर बोल न सकें तो हमें उन विचारों को सुनना चाहिए, अनुभवी सांसदों के विचारों को सुनना चाहिए। जब देश के सारे माननीय संसद सदस्यों के अलग अलग क्षेत्रों की चर्चा संवाद होती है, तो बहुत बड़ी जानकारी माननीय सदस्यों को मिलती है। तो मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि आपको जनता ने चुनकर इसलिए भेजा है कि आप संसद के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं। अब भागीदारी बड़ी भी है, पर मेरी अपेक्षा है कि और भागीदारी बढ़े। माननीय सांसद ज़्यादा समय सदन के अंदर बैठकर चर्चा संवाद के अंदर हिस्सेदारी भी लें, और ज़्यादा समय बैठकर अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाइयां विधायी कार्य के अंदर उनके जो अमूल्य सुझाव मिलेंगे,
उसके आधार पर वह अपने क्षेत्र की जनता के अंदर एक बेहतरीन अच्छा काम कर सकेंगे, जिससे उन क्षेत्र की जनता का कल्याण कर पाएंगे। सर, एज अ मास्टर ऑफ द हाउस मैं आपसे ये जानने में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूँ। लोग कहते हैं कि आजकल क्या हुआ कि अब जो डिबेट का स्तर है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स का एक बहुत एक ट्रेडिशन रहा हमारे यहाँ, अच्छा खूबसूरत, वो कहीं ना कहीं स्तर उसका थोड़ा जो है वो गिरता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि डिबेट का स्तर बढ़े। इस संसद की बहुत उच्च कोटि की चर्चा संवाद यहाँ पर होती रही है, इसके लिए हमने किस तरीके से डिबेट के अंदर माननीय संसद सदस्यों, माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बढ़े, इसके लिए हमने व्यापक प्रयास किए हैं। इसके लिए हमने उनको रिसर्च पेपर उपलब्ध कराने के लिए 24 आवर्स की सर्विस शुरू किए, ताकि जिन विषयों पर, मुद्दों पर बोलना चाहते हैं, विधेयक पर बोलना चाहते हैं, बिल पर बोलना चाहते हैं, तो हम उस बिल लाने के उद्देश्य, लाने के कारण, उसके पड़ने वाले प्रभाव और उस पर देश के लोगों के विचार, उन सब का भी रिसर्च पेपर उनको देते हैं। उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि एक सत्र से लेकर 17वें सत्र तक संसद की जितनी डिबेटें हैं, इन डिबेटों को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पर डिजिटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। तो अपोजिशन का जो रोल है वो उसको किस तरह से आप एनालाइज़ करते हैं, कि किस तरह से, क्या उनको थोड़ा और कॉपरेट करना चाहिए या उनको थोड़ा और आक्रामक होना चाहिए? प्रतिपक्ष हमारे लोकतंत्र के अंदर सबसे सकारात्मक रूप से चर्चा करे, ये अपेक्षा देश की रहती है। और प्रतिपक्ष की भूमिका, वो भी सशक्त होना आवश्यक है। लोकतंत्र के, संसदीय लोकतंत्र में जितनी प्रतिपक्ष की भूमिका सशक्त होगी, उतना ही शासन प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी। इसलिए मेरी कोशिश भी रहती है कि प्रतिपक्ष के लोगों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूँ, ताकि वह एक सशक्त भूमिका निभा सके। और प्रतिपक्ष भी कई मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर सकारात्मक रूप से देश के हित में अपनी बात को कहता है, तो भारत के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका भी सशक्त हो, रचनात्मक हो, सुझावों के आधार पर मार्गदर्शन देने वाली हो, तो और हमारे लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत कर पाएंगे। अभी पिछले कुछ वर्षों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ जो स्पीकर्स हैं स्टेट असेंबलीज़ के, वो कई बार वो किसी पार्टी विशेष की तरफ अपना झुकाव दिखा देते हैं या इलेक्शन में, प्रचार में आ जाते हैं। तो जैसे ब्रिटेन में हम देखते हैं कि जो स्पीकर होता है वो पहले तो पार्टी से रिज़ाइन करता है ताकि इम्पार्शलिटी एक बनी रहे, और उसके बाद वो यूनानिमसली इलेक्ट होता है, वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। तो जब यहाँ पे हम इस तरह के चैलेंजेस, आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं? राज्य की विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हमेशा हमारे पूर्व स्पीकरों ने इस सदन की मर्यादा को बढ़ाया है, इसके सम्मान को बढ़ाया है। इसलिए उनकी अनुप्रेरणा लेते हुए हमारी कोशिश होती है कि स्पीकर निष्पक्ष भी हो, निर्वाध भी हो और निष्पक्षता से निर्णय भी करे। और मुझे लगता है कि राज्य के अंदर पीठासीन अधिकारी भी निष्पक्ष, निर्वाध और निष्पक्ष निर्णय की भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक दलों के त्यागपत्र का विषय है, उसकी अलग अलग परंपराएं रही है। हमारे संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र के अंदर हमारी अपने संविधान है, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हम हमारी परंपराओं को लेते हैं। हमने कई देशों के जो संविधान बना था, तो सभी देशों के संविधान को एडोप्ट नहीं किया, हमने जो उसमें से अच्छी चीज़ें लिए हमने एडोप्ट किए। और निश्चित रूप से मैं आज देखता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है।
मैं किसी पार्टी विशेष की बात किए बगैर आपसे जानना चाहूँगा, आप जब सुनते हैं तो कुछ एक इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस एमपीज जो आपको लगता है कि ये बहुत कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं? मैंने राजनीति क्षेत्र में आया जब भी डिबेट सुनता था, अब भी डिबेट सुनता हूँ, अब भी पुराने वक्ताओं के, पुराने माननीय अध्यक्षों के द्वारा दिए गए समय समय पर ऑब्जर्वेशन को मैं देखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने सदन की मर्यादा को बढ़ाया है, किस तरीके से उनके बेहतरीन कामों के कारण आज आज़ादी के 75 साल के अंदर संसद के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है। इसी तरीके से आपका कहना है कि आज़ादी के बाद बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत संवाद हुए, महत्वपूर्ण डिबेट हुई, तीखी बहस हुई, हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, जो कुछ आपको कुछ देखने को कम मिलता होगा, आपका ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जैसे डिजिटल का युग आया हमारे नए जो आने वाले चुने हुए संसद सदस्यों ने भी बहुत अच्छी डिबेट की है, बहुत अच्छी चर्चा की है, और देश विदेश के अनुभवों को, देश के अनुभवों को, पुराने नेताओं के अनुभवों के, उनके ज्ञान को, उनके कार्यों को, उनके गई देश के प्रति सोच को, उनसे भी प्रेरणा लेकर वह अभी डिबेट चर्चा इस सदन में भी करते हैं। और अच्छी चर्चा डिबेट होना चाहिए, ये हम सब की कोशिश है। संसद चर्चा संवाद का केंद्र है, जहाँ जितनी अच्छी चर्चा होगी, संवाद होंगे, तर्क होंगे, तथ्यों के साथ वाद विवाद होगा, उतने ही बेहतरीन परिणाम आएंगे। और चर्चा संवाद से ही हम देश की जनता का बेहतरीन कल्याण कर पाएंगे। हमारे लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के अंदर, प्रतिनिधि संस्था के अंदर, आज भी दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र शासन चलाने की सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। तो इसमें जितनी ज़्यादा चर्चा संवाद का केंद्र होगा, उतने ही बेहतर परिणाम हम ला पाएंगे। और इस 75 साल के इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने इसी संसद के द्वारा कानून बनाने का काम किया, इसी संसद के अंदर अच्छी चर्चा संवाद, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे हमने लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया। और 75 साल की यात्रा के बाद हमें, और जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो, तो हमारा देश दुनिया के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के अंदर सबसे अग्रिम देश हो, और हम दुनिया का हर क्षेत्र के अंदर अग्रिम पंक्ति का देश बने, इसके लिए ही ये संसद के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होती रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का कई बार मत रहता है कि हमें आगे 25 साल के अंदर कैसा देश हो, इस पर भी सदन में चर्चा संवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि सामूहिकता से इस विषय पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से देश के अंदर 25 साल का मास्टर प्लान हो, उसमें हम क्या क्या सकारात्मक काम कर सकते हैं, जिससे देश के अंदर समाज के अंतिम अभाव में रहने वंचित लोगों को, जहाँ समस्याएं अभी भी हैं, उन क्षेत्रों का विकास कर सकें, आकांक्षी जिलों को हम विकसित जिलों के सामने खड़ा कर सकें, आकांक्षी वर्ग को हम बेहतरीन सुविधाओं के माध्यम से उनको विकसित वर्ग के समकक्ष खड़ा कर सकें, इन सब पे हम पर भी चर्चा होती है। हमारी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में होती है, कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन के ग्रुप में चर्चा होती है। तो हम चाहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। देश की जनता की जितनी सक्रिय भागीदारी होगी, जनप्रतिनिधि भी उनके सुझाव, उनके विचारों को लेकर अपने सदन के अंदर रखेंगे, तो हम एक बेहतरीन भारत बना पाएंगे, एक समृद्ध राष्ट्र बना पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि देश के नौजवानों को संविधान जानो। प्रधानमंत्री जी ने नौ युवा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे के अंदर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहा था, हमने अभियान चलाया है कि स्कूल से कॉलेज के अंदर इसके लिए प्रतियोगिता हो, संविधान को लोग पढ़ें, कैसे भारत का इतना बड़ा संविधान और किस तरीके से आज भी जीवन संविधान मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, इसी तरीके से हमारे संसद की डिबेट चर्चा, उनका देश के अंदर उन सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान,
देश के नेताओं का योगदान, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का जो बलिदान हुआ है, उनकी प्रेरणा हमें मिले, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी के अंदर भी लोकतंत्र के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़े और उनकी सक्रिय भागीदारी देश को आगे चलाने में निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। युवा सांसद जो आते हैं और ख़ासतौर पे जो पिछड़े इलाकों से आते हैं और जिनको बैक बेंचर के रूप में भी देखा जाता है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी आवाज़ को आगे लाने के लिए मैंने कोशिश की कि जो संसद सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, जो आदिवासी इलाके से चुनकर आए हैं, पिछड़े इलाके से चुनकर आए हैं, उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूँ। और आपने देखा होगा कि संसद सत्रहवीं संसद के पहले सत्र के अंदर सभी मान्य सदस्य, जिसमें विशेष रूप से आदिवासी पिछड़े इलाके की महिलाएं, पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी बात को सदन में कई बार रखा है पहले सत्र के अंदर ही, और सभी मान्य सदस्यों ने पहले सत्र के अंदर एक बार नहीं कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी रखा, कई मुद्दों पर भी सक्रिय भागीदारी ली, कई विधायी कार्यों के अंदर भी भागीदारी निभाई। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की सक्रिय भागीदारी सभी सांसदों ने निभाई, उन सब धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके कारण इस संसद की गरिमा बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय संसद सदस्यों को धन्यवाद दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि देश के कल्याण के लिए, देश के को संबद्ध कुशाल बनाने के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए इस संसद में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि हम एक अपेक्षित परिणाम देश को दे सकें। धन्यवाद।